डिग्रस नगरपालिका प्रशासन मानो हठधर्मी के अपने नए कीर्तिमान को हासिल करने में लगा हुआ है। शहर की आम जनता की बुनियादी सुविधाओं के अधिकारों को अनदेखा कर पालिका प्रशासन ने लापरवाही और अनदेखी की चादर ओढ़ ली है। यही वजह है कि राष्ट्रीय त्यौहार हो या धार्मिक त्यौहार, स्थानीय पालिका प्रशासन अपनी बनावटी नींद से जगने को तैयार नहीं है। पेश है डिग्रस से संवाददाता जुबैर खान की ये रिपोर्ट। डिग्रस शहर की हालत इन दिनों उस बेबस और बेसहारा बुजुर्ग की तरह हो चुकी है, जिसके कहने को तो कई सगे संबंधी है, लेकिन सबके होते हुए भी पूछने वाला या देखरेख करने वाला एक भी नहीं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में हर साल की तरह इस साल भी शहर के भवानी माता मंदिर में चैत्र नवरात्रि उत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, लेकिन मंदिर की ओर संभाजी नगर से होते हुए गुजरने वाले रास्ते पर लगे कचरे के अंबार से फैली दुर्गंध से श्रद्धालुओं को असुविधाओं का सामना करना पड़ा। ऐसे में अफसोस है कि लापरवाही की चादर ओढ़े पालिका प्रशासन को इतनी भी फुर्सत नहीं मिली कि चैत्र नवरात्रि उत्सव की पूर्व संध्या तक मंदिर के रास्ते की साफ सफाई की जाए। इसी तरह से इन दिनों माहे रमजान का भी पवित्र महीना चल रहा है, लेकिन आज भी गौलीपुरा, मोतीनगर, चांदनगर आदि मुस्लिम बहुल सहित विभिन्न इलाकों में रहने वाले नागरिकों को पेयजलापूर्ति के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। मोतीनगर, गौलीपुरा, चांदनगर में तो 10 से 12 दिन बाद रात 1 बजे के बाद नलों में पानी आ रहा है। शिकायत करने के बाद भी जलापूर्ति विभाग अपनी बेशर्मी छोड़ने को तैयार नहीं, ना ही पानी के टैंकरों की वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा शहर का बिजली विभाग भी बार बार गुल हो रही बिजली से बेतहाशा गर्मी में मानो बिजली ग्राहकों के सब्र का इम्तिहान ले रहा है। बीते कई दिनों से जारी लोड शेडिंग से जनता त्रस्त हो चुकी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जनता के प्रति जवाबदेही का ढोंग करने वाले संबंधित विभागों के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन करने में कोताही बरत रहे हैं। बीते दिनों 26 जनवरी के राष्ट्रीय त्यौहार यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर स्थानीय शहीद स्मारक की साफ सफाई नहीं की गई थी, जिससे साफ हो जाता है कि राष्ट्रीय त्यौहार हो या धार्मिक त्यौहार, पालिका प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो केवल टालम टोल का खेल खेलते ही रहना है, जिसमें वो काफी माहिर है। बीसीएन न्यूज के लिए डिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।